नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरों की, और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। MCX पर सोने का भाव करीब 600 रुपए तक बढ़ गया है और 51,500 रुपए के करीब पहुंच चुका है भाव। आपको याद होगा आज सुबह 11:30 बजे के शो में हमारे सारे एक्सपर्ट ने आपको गोल्ड में बाइंग की राय दी थी। उस समय गोल्ड का भाव 51,100 के आसपास था, वहां से भाव करीब करीब 400 रुपए तक बढ़ चुका है। और गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी में भी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। 1500 रुपए से ज्यादा की मजबूती चांदी में आ गई है। 63,000 रुपए के ऊपर चांदी का भाव पहुंच चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24.5 प्रति औंस के ऊपर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 3% का उछाल है। तो एक बड़ी तेजी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में देखने को मिल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा। क्या आपको लगता है कि जो गोल्ड का मार्केट यहाँ पर रफ्तार के मूड में है, क्या ये रफ्तार, ये तेजी गोल्ड की आज के कारोबार में और बढ़ सकती है? जी हाँ, हमने देखा है कि इस हफ्ते की शुरुआत से ही गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। और हमने देखा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जैसे कि सबसे बड़ा तो US इलेक्शन से रिलेटेड जो आउटकम आ रहे थे, तो आई थिंक वो अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आनी बाकी है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अब FOMC का भी आज रात को स्टेटमेंट आएगा, तो उसके ऊपर भी मार्केट का फोकस रहेगा। और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि खास करके यूरो रीजन में दोबारा से कोरोना को वायरस को लेकर एक लॉकडाउन के कंसर्न अभी भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक मेजर अनसर्टेनिटी अभी भी ग्लोबली मार्केट्स में बनी हुई है। और दूसरी तरफ एक जो मेजर कंसर्न रहेगा वो US इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद स्टिमुलस का क्वांटम क्या रहेगा, कितना स्टिमुलस आएगा और कितने जल्दी आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो आई थिंक जब भी हमने देखा है कि इस तरह की अनसर्टेनिटीज तो जो सेफर एसेट्स की जो बाइंग है वो गोल्ड में आती हुई दिखी है। और मुझे लगता है कि आज के सेशन में और आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड में और ये तेजी बरकरार रहेगी और आगे हम और भी अपसाइड के लेवल्स गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। तो आज के सेशन में भी अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड में 51,350 के लेवल्स पे अगर मौका मिलता है तो दोबारा से खरीदारी करके चल सकते हैं। 51,100 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 51,800 तक के टारगेट सा इंट्राडे सेशन में आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, तो आप करें कि 51,350 यानी यहां से 50 रुपए तक भी भाव नीचे आए तो गोल्ड में आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा और तेजी ये बढ़ सकती है। जिगर, आज हमने एक पोल भी किया था और हमने जानना चाहा कि दिवाली के हफ्ते में यानी अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस क्या होगा, तो सारे एक्सपर्ट ने कहा कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, 53,000 के आसपास गोल्ड का भाव पहुंच जाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं और आपको लगता है कि ऐसे में पोजिशनली भी 51,400 का लेवल गोल्ड में बाइंग का अच्छा लेवल है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से मोमेंटम जो शुरुआत हुआ है गोल्ड में और अभी जो काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स की भी हमने बातें की, तो गोल्ड का जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और शॉर्ट टर्म में या आने वाले हफ्ते में हम अगर देखें तो 52,250 से 52,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं गोल्ड में। तो ओवरऑल मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो 52,000 के ऊपर के स्तर हम गोल्ड में जरूर से देख सकते हैं। तो 51,400 या 51,200 तक की भी अगर ये जो रेंज है, अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो गोल्ड में खरीदारी का बहुत अच्छा मौका रहेगा और जरूर से खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड में। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर। आप कह रहे हैं कि पोजिशनली भी गोल्ड का मार्केट बाइंग के लिहाज से अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन गोल्ड के साथ साथ आज सिल्वर में भी एक बड़ी तेजी का माहौल बना है जिगर, तो क्या चांदी का मार्केट और ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है? चांदी में इस वक्त क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? हमने देखा कि आज सुबह से ही गोल्ड और सिल्वर दोनों में गैप अप ओपनिंग देखी है। चांदी तकरीबन 1500 रुपए की तक की तेजी हम देख चुके हैं सुबह से अब तक के सेशन में। और मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी समय बाद एक इन टैंडम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि सिल्वर का नेचर रहता है, सिल्वर हमेशा जब भी काफी अच्छी तेजी पकड़ता है तब आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो आज सुबह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इन टैंडम में अच्छे से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के बायस से सिल्वर में भी काफी अच्छी तेजी बनी हुई रहेगी।
बट अगेन हमने देखा है कि सुबह से ऑलमोस्ट 1500 रुपए की तेजी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख सकते हैं, बट जो ओवरऑल सिनेरियो है सिल्वर का, जो बायस है वो अभी भी तेजी का ही रहेगा। तो आज के सेशन में अगर 62,500 के लेवल्स अगर मिलते हैं निचले स्तरों पे, तो वहां पर अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। 62,050 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 63,400 के टारगेट्स हम इंट्राडे सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जिगर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं। आज जो हमने पोल किया, जो उसके नतीजे हैं, उसमें 52,200 से 53,000 का भाव रेंज रहेगा दिवाली के हफ्ते में, ऐसा 60% ब्रोकर्स का मानना है। क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं, और आपका रेंज क्या है दिवाली वीक के लिए, यानी अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में? गोल्ड में जी हाँ, मैं सहमत हूँ कि 52,000 के ऊपर के प्राइसेस जैसे हम देख रहे हैं, और जो हमारा पोल है, मुझे लगता है कि 52,250 से 500 की जो रेंज है, इस रेंज में गोल्ड के प्राइसेस हम अगले हफ्ते या जो दिवाली के बेसिस पे इन लेवल्स तक प्राइसेस आ सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो 52,250 से 52,500 की जो रेंज है वो गोल्ड के प्राइसेस हम एक टारगेट्स के तौर पर एक अचीव होते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। ठीक है, तो ये राय आपकी है अगले हफ्ते के लिए गोल्ड पर। तो कुल मिलाकर सोने चांदी के फंडामेंटल मजबूत हैं और आगे इसमें तेजी ही रहेगी, इसको लेकर कोई असहमति जानकारों के बीच नहीं है। और आज 11:30 बजे जानकारों ने जो भी कॉल दी थी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, वो कॉल हिट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने उस समय हमारे एक्सपर्ट को सुनकर ट्रेड लिया होगा, उन्हें अच्छा मुनाफा मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। क्रूड का प्राइस, क्रूड का भाव अभी आपको क्या लगता है जिगर, और क्या क्रूड में इस वक्त बाइंग का मौका है? क्रूड में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑलमोस्ट 2600 तक के लेवल्स चले गए थे, बट वहां से काफी एक शार्प रिकवरी क्रूड में आती हुई देखी है। बट अगेन हम काफी समय से देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में ऊपरी स्तरों से दोबारा से दबाव आता है और प्राइसेस 2600 या 2500 के लेवल्स तक आ जाता है। मेजर पोजिशनल परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो 3200 का लेवल्स क्रूड में काफी स्ट्रांग है, और जब तक इन लेवल्स के नीचे रहेगा तब तक प्राइसेस मेजरली नेगेटिव रहेगा। और अगर दूसरी तरफ हम फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो जैसे यूरो रीजन में दोबारा टेंशन बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रूड की जो डिमांड है उस पर दोबारा से एक दबाव आ सकता है, और उन रीजंस की वजह से क्रूड के प्राइसेस में एक साइडवेज और नेगेटिव का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो इंट्राडे के बेसिस पे भी अगर देखना हो तो 2920 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो ये एक बेहतर लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए सेलिंग के लिए, और 2980 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 2820 तक के हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं क्रूड में। ठीक है, ओके। कॉपर का प्राइस आप क्या देख रहे हैं, और क्या इस भाव पर कॉपर में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कॉपर में हम देख रहे हैं कि बीच में हमने एक अच्छा वीकनेस देखा था, और कॉपर का ओवरऑल जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज में कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऊपर स्तरों पर देखे तो 533 से 535 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और निचले स्तरों पे 522 और 520 का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कॉपर का मूव है इन रेंज के बीच में रहेगा, और इंट्राडे के लिए देखना हो तो आज के सेशन में अगर 529 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एक सेलिंग का मौका लेना चाहिए, 532 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 523 तक के हम इंट्राडे के लिए टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो कॉपर में आपकी राय बिकवाली की है 529 पर, टारगेट 523 का, और 532 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिंक का प्राइस आपको क्या लग रहा है, जिंक में क्या अभी बाइंग का मौका है या रुकना चाहिए? पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जिंक एक ऐसा मेटल है जो काफी हद तक एक स्ट्रेंथ अपनी होल्ड करके चल रहा है। हमने देखा कि 199 के करीब तक लेवल्स गए थे, बट वहां से एक काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है हमें जिंक में, और मुझे लगता है कि ये जो करंट रैली है जिंक में वो अभी भी आगे बरकरार रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिंक में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। इंट्राडे के परस्पेक्टिव से 204.50 के लेवल्स आते हैं तो वो एक बेहतर लेवल रहेगा जिंक में बाइंग का, 203 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपरी स्तरों पर 206.50 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आज शाम के सेशन में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल, 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गोपाल। पूछिए गोपाल जी। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए।
सर जी, ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं सर। जी जी पूछें, सुन रहा हूँ। हाँ जी, ये नीचे 3200 आएगा या 5000 होगा सर? ग्वार नीचे 3200 आएगा या 5000 होगा, बताइए। जिगर, क्या व्यू है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार में फिलहाल के लिए मैं 3200 का लेवल तो नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट का जरूर मोमेंटम आता हुआ देख सकता है। बट अगेन, ग्वार में जो ओवरऑल मुझे काफी लिमिटेड दिख रही है, 4000-4050 तक के लेवल से वहां तक ही डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी। बट अगेन, 4350 ये लेवल काफी क्रूशियल है ग्वार के लिए। 4350 का लेवल से अगर ब्रेक हो जाते हैं तो जो ऊपर का लेवल है 5000 का, ये लेवल जरूर से छू सकता है। तो आई थिंक 4350 का लेवल्स के ब्रेकआउट के करीब जरूर से ध्यान देना होगा। इसके ऊपर जरूर से हम 5000 के टारगेट्स ग्वार में आते हुए देख सकते हैं आगे जाते हुए। ठीक है, अगला सवाल है चिराग का, मुंबई से हैं हमारे साथ, पूछिए चिराग। सर, मैंने निकल के 2 लॉट बाइंग किए हुए 1155 में, तो इंट्राडे में क्या लग रहा है सर? 1155 में आपने 2 लॉट निकल बाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, बताइए जिगर क्या होने वाला है निकल में? जी, निकल को होल्ड करिए, 1148 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और मुझे लगता है कि 1162 से 1164 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो निकल में बाई करके खड़े रह सकते हैं और 1164 तक के लेवल्स पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।